तो फिर ये सब सुन के तो ऐसा ही लगता है कि एक न्यूक्लियस के बगैर सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट दैट इज नॉट ट्रू। जैसे आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कमांड देता है, वैसे ही एक न्यूक्लियस सेल की तमाम फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट वोंट बी रॉन्ग टू कॉल इट द सेल हेडक्वार्टर्स। ये स्ट्रक्चर एक आउटरमोस्ट कवरिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। दिस एनवेलप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियर पोर्स फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। Here we have another structure called the nucleolus. यहाँ पे ribosomes बनते हैं। Ribosomes are the organelles जो कि हमारी body में protein बनाते हैं, और आपको पता है कि protein हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो फिर ये सब सुन के तो ऐसा ही लगता है कि एक nucleus के बगैर cell exist नहीं कर सकता, but that is not true. सेल्स दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट आर द यूकैरियोटिक सेल्स, जिनके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड सेकंड आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन दोनों सेल्स में बहुत सी बातें कॉमन है। फॉर एग्जांपल, दोनों के पास जेनेटिक मटीरियल मौजूद है। बोथ ऑफ देम आर फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। दोनों ही सेल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, और दोनों के पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। बट व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज मोर इंटरेस्टिंग। पहला डिफरेंस तो क्लियर है, यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड होता है इन अ न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इट्स अ बिट मेसी इन देयर। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से साइज में बड़े होते हैं, और इनके पास काफी फैंसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे इन एन अपकमिंग वीडियो ऑन सेल ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगी, मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास हो भी सकती है ये सेल वॉल लाइक इन प्लांट सेल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और नहीं भी हो सकती लाइक इन सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, जो कि कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाता है, और ये क्रोमोसोम्स जब स्प्लिट करते हैं तो सेल डिवाइड हो जाता है। इस तरह की सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे डिवीजन होगी सिंपली बाय डुप्लीकेशन, जिसको हम रेफर करते हैं एज बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा। अब इनको तो हम फर्दर मजीद कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, मगर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, जिनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, तो अगर आप इन पर रिसर्च करें, यू विल बी अमेज्ड टू सी द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन नेचर।